never guys have actually put a hand between a girl's legs. What do you want us to say? You think that we're joking out here and we just want to create hype because we want to be in news? If the college cannot give us proper answers, that why? What? It was not our fault. If you can't give us answers as the people who were there in the fest, give us answers as a student of this college. We only demand that. दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में कुछ दिनों पहले ही उनका एनुअल फेस्ट था पहले की तरह, और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है लड़कियाँ। यहाँ पे जो है 4:30 या 3 बजे के करीब दोपहर को एंट्री हो रही थी फेस्ट में, और उस टाइम पे कुछ लोग जो हैं लड़के घुस गए। सो 3:30 के अराउंड व्हेन आई केम हियर, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि there were people who are supposed to enter through passes, but जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर पूरा का पूरा crowded हो रखा था। It was a situation like unimaginable, like you did not expect this even in hell, because last two years से जब फेस्ट हो रहा था, they were supposed to be entered like college से काफ़ी systematic way में enter करते थे, but उस दिन जो हुआ that was like बहुत अजीब। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे इस साइड, यहाँ डिगिन के सामने, and they were making videos. Could you imagine, they're standing idly and like making videos and laughing at what is all happening. Sir, aap log the jab ye sab hua tha, aap log nahi the yahan pe, to police to deployed hoti hai, police to thi yahan pe, aur pcr vans bhi hote hain, पर पुलिस तो होती है ना, पुलिस तो मुझे अभी भी दिख रही है। तब थी क्या पुलिस यहाँ पे? कुछ तो पता होगा आपको, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, कम छुप रहे हैं कुछ पुलिस वाले। सर, आप लोग आज यहाँ पे हैं, उस दिन आप लोग थे जब ये सब हुआ था? नहीं मैडम, तो बाहर से हैं, हमारी तो ड्यूटी लगी बहुत दूर से। आपकी ड्यूटी आज लगी है? हाँ। और उस टाइम पे भी तो पुलिस थे यहाँ पे? पता नहीं, हमें तुम बता रहे हो खाने वाले और मैं करता किसकी थी, कहाँ थी, ज़्यादातर पुलिस इलेक्शन में है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट डिनाइंग दैट द कमांडोज वर नॉट देयर, बट इट वाज नॉट इन द नंबर दैट वाज एक्सपेक्टेड। द पीसीआर वैन्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड गार्गी इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। वी डोंट इवन हैव नेटवर्क इन आवर कॉलेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी ड्यूटी यहाँ पे ही थी, कल भी थी, फेस्ट के टाइम पे भी थी? फेस्ट ये जो जब हुआ था उस टाइम पे भी आपकी ड्यूटी थी, तो ये एग्जैक्टली कैसे हो गया? ये गेट टूट गया ना। गेट टूट गया कैसे? यहाँ पे भीड़ लगा रखा था। हाँ। बच्चों ने जल्दबाजी में तोड़ दिया। सिर्फ बच्चे थे? हाँ, मतलब यहाँ बच्चे थे ना, भीड़ लगी थी इसलिए गेट गिर गया। पर गार्ड वगैरह क्या कर रहे थे? फिर गार्ड भी थे मैम, पर यहाँ भीड़ लगा रखी थी बच्चों ने, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो गार्ड की है ना, सुरक्षा की। फिर हाँ जी, तो कैसे आप बताइए मुझे कुछ, कैसे कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हम यहाँ पे बच्चों ने काफी भीड़ लगा रखी थी, लाइन लगा। सिर्फ बच्चे तो नहीं थे आपका, तो आप अभी आई कार्ड सबका चेक कर रहे हैं। हाँ। तो आपको तो तब भी आई कार्ड चेक करना था, पासेस चेक करने थे, तब भी चेक कर रहे थे। चेक कर रहे थे, फिर कैसे घुस गए ये लोग इतने सारे? और ये लोग बोले स्टूडेंट्स भी नहीं थे कुछ लोग, तो घुसा नहीं था, मतलब गेट गिर गया था। गेट गिर गया था? अच्छा। तो मैं अभी गार्गी कॉलेज के बाहर खड़ी हुई हूँ, और ये जो गेट है वो एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए है। वीमेन गो थ्रू दिस गेट, वीमेन स्टूडेंट्स। और मैं अभी गार्ड से बात कर रही थी, अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने उनको चुप करने के लिए बोल दिया, बेसिकली वो बात नहीं कर सकते हैं, एंड इन्होंने ये गेट बंद कर दिया था। वहाँ से बॉयज़ घुस जा रहे हैं, एंड लाइक बॉयज़ घुस रहे हैं तो वहाँ पे पीपल आर लाइक जो खड़े थे, दे आर सपोज टू चेक द पासेस एंड द आईडी कार्ड्स, दे सेड कि अब तो सब घुस गए, अब तुम भी घुस जाओ। देयर इज मिनिमम नेटवर्क यू कैन सी ऑन माय फोन, एंड एक्सपेक्टेड वाज दैट वी गेट नेटवर्क सो दैट इन केस वी कैन फाइंड पीपल। द गाइस ब्रोक द गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन चेन वाज ब्रोकन अमंगस्ट द गर्ल्स। व्हाई वर द वुमेन मेकिंग अ ह्यूमन चेन? बिकॉज वी हैड टू बी सेफ। यू कांट एक्सपेक्ट हाफ ड्रंक मैन, मिडिल एज्ड मैन रबिंग देयर अगेंस्ट अस, दे वर लेजिट against a girl's thigh. देखिए, लोग बोल रहे हैं अगर आप आ रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको महसूस होना चाहिए आप पार्ट है भीड़ का, तो ऐसा होता है। तो
इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस जो है कॉलेज में मौजूद उनके बारे में भी कोई खबर नहीं है। प्रिंसिपल भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी कर रही है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो था आपका, इन्होंने बोला कि बाउंसर्स एंड ऑल भी डिप्लॉय किए गए थे टू हमें नहीं दिखे, दे लिटरली फेल्ड अस। पुलिस वाले दिखे थे, अगर हम एक आजादी का नारा लगा देते डंडे चल जाते कॉलेज में। ओके पर हमने इतनी वो बोली है सर कि यहाँ पे हमें हरैश करा जा रहा, जब नहीं सुन रहा। पर अगर हम एक बोल देते ना इनकलाब जिंदाबाद एंड ऑल दैट थिंग्स, मतलब आजादी के नारे लगा देते, एक चीज ही बोली जा रही है चलते कॉलेज में, गार्गी कॉलेज में वही है कि जय श्री राम के नारे लगा के लड़कियों को छेड़ा गया है। इस चीज की मैं बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि मतलब इस चीज से तो हम दिखा रहे हैं कि हमारे जो हिंदुत्व की जो मेल है उनकी ये सोच है कि वो जय श्री राम के नारे लगा के इस चीज को करेंगे, तो ये बहुत चीज ज्यादा गलत है। What took so long for the college to file in complaint? They haven't filed. Today, this happened with us. We're waiting. There were girls who were thrown notes at their faces while going towards the metro. एक तो security उतनी नहीं थी। Personally, I feel कि थोड़ी और अगर security होती है, उनको पता है, मतलब अगर college वालों को पता है कि इतना बड़ा star आया है, तो obviously बहुत ज़्यादा crowd होने वाला था। तो थोड़ा सा ज़्यादा security बढ़ानी चाहिए थी कि कम से कम मतलब ज़्यादा पुलिस वाले होते तो शायद ये इतना ज़्यादा होंगे। अब गर्ल्स की जहाँ से एंट्री होनी थी वहाँ से बॉयज़ भी पुश करके एंटर कर रहे हैं। अच्छा आपकी ड्यूटी आज लगी है, पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ कितने बजे तक होती है? वो नाइट शिफ्ट होती है, हमें नहीं पता है, अलग अलग रूट होते हैं ना। तो यहाँ पे ये गाड़ी कितने बजे तक है? सिर्फ 5 बजे तक है। तो जो बेसिकली यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है या वट एवर गाड़ियाँ जो भी है, पुलिस की गाड़ियाँ जो भी है, वो यहाँ पे ये बोल रही हैं कि 5 बजे तक ही पेट्रोलिंग होती है। स्मोक हुआ है वहाँ पे, वीड हुआ है, लोग ड्रंक थे, वो हमारे हम आई विटनेस है उसके, हमारे सामने हुआ। मैंने उन लोगों को बोला भी कि ये कॉलेज कैंपस है, तुम यहाँ शो इन्जॉय करने आए हो वो इन्जॉय करो, तुम ये क्यों कर रहे हो यहाँ पर ड्रिंक वगैरह? तो वो मुझे बोलते तो क्या कर लेगी। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं इसकी कंप्लेन कर सकती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने जब न्यूज़ कॉल, हम लोग कॉल भी कैसे करें, यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई छेड़ रहा है, तो यूनियन मेंबर्स को इन्फॉर्म करो, बाउंसर्स है उन्हें इन्फॉर्म करो, बट कैसे करें, इतना क्राउड है, हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते और कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जैमर्स लगे हैं, ना मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। प्रॉपर हरासमेंट हुआ है, लाइक प्रॉपर आपके चेस्ट पे टच हुआ है, आपके हिप्स पे टच हुआ है, प्रॉपर निकलते हुए टच कर रहे हैं, जाते हुए हर जगह पे निकलते हैं, लड़के फ़ायदा उठा रहे हैं क्राउड का जो है, इसलिए मतलब बहुत गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे जब वो शो कर रहा था, उसको कमेंट्स पास कर रहे थे ताकि सब लोग लड़कियां जो उनका मतलब अपनी तरफ अटेंशन सी कर सके। जिस चीज़ से मेन हमें ऑफेंड हुआ वो ये था, जो प्रिंसिपल मैम की वो थी स्टेटमेंट थी जो, हाँ जब लड़कियों ने जाके प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन करी है, देन शी इज लाइक जब अनसेफ फील करते हो तो आते क्यों हो। गार्गी कॉलेज में आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था स्टूडेंट्स ने, जहाँ पे वो लोग बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रिंसिपल रिज़ाइन करें, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, एक्टिंग प्रिंसिपल है। पर प्रिंसिपल ने एक कॉमेंट जारी किया है, जिस कॉमेंट के हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि फेस्ट अगर आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अनसेफ फील कर रहे हैं तो आप मत आइए। कैन यू डिस्क्राइब एनीबडी यू सॉ द मेन, लाइक फ्रॉम द मेन, लाइक एग्जैक्टली इन व्हाट कंडीशन वर दे? हाफ एज ड्रंक, रोलिंग जॉइंट्स। आई सॉ पीपल रोलिंग जॉइंट्स इन द डिपार्टमेंट एरियाज। नोबडी विल बिलीव इट बिकॉज आपने रिकॉर्ड नहीं करा। क्या रिकॉर्ड करते, हाथ तो उठ नहीं रहे थे वहाँ पे, आप क्या बात कर रहे हो? इवन बेल्ट्स निकाल के बेल्ट्स बीच में मार रहे हैं। जो लड़कियाँ बैरिकेड्स के अंदर है, जो बेसिकली जो गार्गियंस है वो तो सेफ है, वहाँ पे यूनियन मेंबर्स है, प्रिंसिपल है, दे वर लाइक तुम गार्गियंस सारे बैरिकेड्स में आ जाओ, बाकी लड़कियाँ बाहर में जाओ, बाकी लड़कियों से उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। लाइक वी आर एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड, इट्स बीइंग नॉर्मलाइज्ड, इट वाज नॉर्मलाइज्ड बट नाउ दे आर एक्चुअली टेकिंग इट सीरियसली एंड नाउ दे हैव एक्चुअली, यू नो व्हाट, वी आर एक्चुअली कॉइनिंग दिस टर्म फेस्ट कल्चर, बिकॉज फेस्ट में पीपल गेट ड्रंक, हाइड, जंप, असॉल्ट, मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, इट्स प्रीटी नॉर्मल, इट्स अ फेस्ट कल्चर नो। जेएमसी में 2 साल पहले होली के दिन भरा हुआ बलून बॉयज ने लड़की के ऊपर मारा था और कहा था बुरा ना मानो होली है, तो उसके लिए भी मैं वीमेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई, तो उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया था। तो वीमेन्स कॉलेज के नाम पे क्या हो रहा है, हम मोलेस्ट हो रहे हैं? नॉर्मल डेज में तो हमारे कॉलेज में कोई हाथ लगा दे तो हम उसे छोड़े नहीं। नॉट एवरी
person can speak about it. They don't come from a very privileged background, and that's why they are embarrassed, and that's why they are not saying it out loud. But they have been through traumatic experiences of harassment that happened inside the college. You have Me Too over here, but here we have there is so much of suppression of women. What do you want from us? We're the only answer that. What happened with you? Do you want to talk about that? It's, you don't know what I went through, and it's very scary to even talk about. After 6:30 or 4:30, there was no body checking. The PMR team could not stand after 4:30 because you know how guys work, function. Half drunk men, you can't have girls out there in such an atmosphere. That was the story of this. Women, whoever were present or whatever happened with them, affected students, have they gone home or are they still here? Some have gone home, some are here asking for it, some are taking therapy by our mental club, Izhar. I am taking trauma overcoming therapy. We're taught grounding exercises by the mentors so that we can understand what problem was exactly. We have to do grounding exercises to stay back, come back in the present and understand this was not our fault. Police jo hai bahut bhari tadad mein yahan pe maujood nahi hai, lekin police hai aur students ka ye bhi kehna hai ki PCR vans hai yahan pe bahut sari security reasons ki wajah se jammers lage hue hain, lekin ek basic security jo ye log expect kar rahe hain students college se, university campuses se, jo ki inko safe feel karwata hai, inka space hai ye jo ye claim kar rahe hain और वो लोग से फील नहीं कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।